हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं मुंबई को। ट्रेन में बैठे हैं, अभी निकल रहे हैं, अभी हिम्मतनगर आ गए हैं। हिम्मतनगर से गाड़ी निकली है और हम जा रहे हैं अभी नांदेड़ की ओर। ट्रेन में से बाहर का नज़ारा खूबसूरत। अभी मैं पहुंचा हूँ नांदेड़ को। नांदेड़ के स्टेशन पे नाश्ता वगैरह किया है और यहाँ से अब दूसरी गाड़ी पकड़ ली है और ये गाड़ी जा रही है औरंगाबाद को। और यहाँ से मैं औरंगाबाद जाऊँगा, वहाँ पे एक दिन मुक्काम रहूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा बॉम्बे, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है। इसलिए अभी ट्रेन निकली है नांदेड़ से, और नांदेड़ से निकलने के बाद मैं सीधा जाऊँगा औरंगाबाद, यानी कि आज का उसका नाम बदल गया है छत्रपति संभाजी नगर। तो हमारी ट्रेन निकल रही है, हम जा रहे हैं अभी नांदेड़ से औरंगाबाद। सो एक्साइटिंग फॉर द जर्नी। अब औरंगाबाद आ चुके हैं, औरंगाबाद से आगे मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जाते वक्त अंकाई टंकाई किला बीच में लगता है, जो ट्रेन में से दिखता है आपको, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ट्रेन का। ये है अंकाई टंकाई किला, तो आप देख सकते हैं ट्रेन में से कितना खूबसूरत लग रहा है, मानो जैसे कि किसी ने इसे बनाया ही नहीं है। देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन और ऊपर एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ इधर से देखिए, ये व्यू तो बहुत ही अच्छा है, कमाल का व्यू दिख रहा है। ट्रेन में से मानो जैसे कश्मीर घूम रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा है। आप पूरा सफ़र ट्रेन से करिए मानसून सीज़न में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये हमें नासिक के नज़दीक नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पे ये देखिए ग्रेप्स के फार्मिंग है यहाँ पे। यहाँ से बारिश चालू हो गई थी, बारिश चालू हो गई और पानी पूरा भर गया है खेतों में। इधर पैडी राइस की खेती करते हैं, नज़ारा देखने लायक, औसम नज़ारा है। देखिए गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत हरे भरे खेत, माउंटेन, माउंटेन के ऊपर पूरे बारिश हो रही है बहुत अच्छी। ट्रेन में से ये देखने लायक नज़ारा है। तो मैं जैसे ही निकला हूँ तो बहुत ही सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ, ये देख जैसे कि कश्मीर घूम रहे ऐसा लग रहा है। देखो गाइस पूरे माउंटेन हैं और माउंटेन के ऊपर क्लाउड आए हैं और क्लाउड की बारिश हो रही है। नीचे जो खेत खलियान है उसमें पूरा पानी बसा है। अभी देखिए गाइस क्या नज़ारा है, बाप रे, जैसे कि कश्मीर में ही आए। देखो गाइस स्विट्ज़रलैंड इज़ अ स्विट्ज़रलैंड लग रहा है। ये देखिए गाइस ये पुल के नीचे से नदी बह रही है, कितना औसम नज़ारा दिख रहा है गाइस। बहुत आप मानसून में महाराष्ट्र में ट्रेन से ट्रैवल कीजिए, आपको बहुत भारी भारी नज़ारे दिखेंगे। ये देखिए छोटा वाटरफॉल, वाह, ऐसा लग रहा है आंखें तृप्त तो हो गई मेरी, तो इतना भारी नज़ारा है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम आगे निकल रहे हैं अभी यहाँ से मुंबई की ओर। ये कसारा घाट से ट्रेन जा रही है, देखो गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है। मालगाड़ी जा रही है उधर से, ये कसारा घाट है। यहाँ से मुंबई अब थोड़ी देर में नज़दीक आ रही है। ये देखिए गाइस क्या खूबसूरत नज़ारा है, बाप रे कितना खूबसूरत। ये के आगे से बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपको महाराष्ट्र घूमना है तो मानसून से अब मैं आया हूँ मुंबई लोकल में। देखिए गाइस अभी दोपहर में भीड़ नहीं है ज़्यादा, तो भीड़ रहती है मगर मैं दोपहर में आया हूँ 4 बजे, तो भीड़ नहीं है, तो खुली खुली लग रही है। वैसे ही मुझे डर लग रहा था लोकल में घूमने के, मगर अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ, फिर से रिटर्न औरंगाबाद आ रहा। मुंबई का मेरा हो गया है, एग्ज़ाम हो गया, मैंने एग्ज़ाम का शूट नहीं किया है और मुंबई भी किधर घूमा नहीं, तो फिर से रिटर्न वापस औरंगाबाद आ रहा हूँ। और औरंगाबाद आने के बाद
फिर से मैं नांदेड़ आऊँगा और नांदेड़ से फिर हमारे होम टाउन यानी किनवट को आ जाऊँगा। तो ये नज़ारा देखिए, बारिश का मानसून का नज़ारा है। तो मैंने ये ट्रेन में से शूट किया है, तो बहुत ही भारी लग रहा है, एक नंबर गाइस। आपको घूमना है तो मानसून सीज़न में ही घूमिए, ट्रेन से, फ्लाइट से नहीं या बस से नहीं, ट्रेन से एक नंबर आपकी जर्नी जर्नी होने वाली है। तो आप ट्रेन से घूम सकते हैं, ट्रेन में से बहुत भारी भारी नज़ारा दिखते हैं। तो देखिए गाइस, ये पुल आया है, जब हमने लास्ट टाइम देखा था आते आते टाइम, अभी जाते टाइम देखेंगे, उस टाइम बारिश थी, मगर इस टाइम बारिश नहीं है, तो पानी थोड़ा कम हो गया है। अभी जाते टाइम थोड़ा सा ये है, मेरी एग्ज़ाम एक बार पोस्टपोन हुई थी, मैं फिर से चला गया था, दो बार मेरे ट्रैवलिंग हो गई। ये झरना जब लास्ट टाइम बह रहा था, ज़्यादा पानी था, अभी पानी नहीं है, इस वजह से कम पानी दिख रहा है। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारी जर्नी? अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, बाय।